नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिस तरह से देखा जाए, फिरोजपुर CIA पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ दर्ज किया केस। युवप्पा एक्सक्लूसिव और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों की अभी तक नहीं हुई है गिरफ्तारी। दोनों के तार करनाल में पकड़े गए आतंकियों से जुड़े बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर, तो फिरोजपुर CIA पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो फिरोजपुर CIA पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ दर्ज किया है केस। युवप्पा एक्सक्लूसिव और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोनों के तार करनाल में पकड़े गए आरोपियों आतंकियों से जुड़े बताए जा रहे हैं। फिरोजपुर CIA पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो फिरोजपुर CIA पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ दर्ज किया है केस। युवप्पा एक्सक्लूसिव और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोनों के तार करनाल में पकड़े गए आतंकियों से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो फिरोजपुर CIA पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ दर्ज किया है केस, क्योंकि जिस तरह से कल चार आतंकियों को करनाल पुलिस ने पकड़ा था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कितनी भारी मात्रा में विस्फोटक कहां से पहुंचा, कौन लोग थे जो इनकी मदद कर रहे थे, उसको लेकर लगातार जो पुलिस है वो अब छानबीन कर रही है। पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विपिन, जिस तरह से देखा जाए दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक दोनों जो युवक है वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है, इस मामले को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, तरन तारण में इन दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की ओर से, और इनसे जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसमें ये सामने निकल कर आया है कि ये जब ये कंसाइनमेंट ड्रोन से भेजा गया था, उस समय दो गाड़ियां, एक इनोवा गाड़ी जो कि करनाल में पकड़ी गई है, और एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो इनकी ओर से इस्तेमाल की गई थी। और रिंदा, हरिंदर सिंह रिंदा, पाकिस्तान में बैठकर लगातार इन्हें वो लोकेशंस भेज रहा था जहां से ड्रोन से कंसाइनमेंट जो है वो भेजे गए थे। अब इनकी गिरफ्तारी पंजाब से हुई है, और ऐसे में पंजाब में गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी। हरियाणा पुलिस भी इस पे कहीं ना कहीं इनसे सवाल जवाब करती हुई नजर आएगी, और तमाम चीजों को इंटरकनेक्ट करते हुए किस तरह से ये मॉड्यूल चल रहा था, किस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये तमाम चीजें जो है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल कर आएंगी। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। पंजाब पुलिस भी लगातार जो है करनाल के इस मॉड्यूल को बस्ट होने के बाद से एक्टिव नजर आई है। बॉर्डर इलाकों में जो जो संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, और साथ ही साथ उन एरियाज को सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से भी सैनिटाइज किया जा रहा है जहां पर ये कंसाइनमेंट्स जो है वो भेजे गए। बिल्कुल, लेकिन विपिन, कल हम जिस तरह से बात कर रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में विस्फोटक कैसे इन तक पहुंचा और कौन से जो लोकल लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, इसको लेकर लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। विपिन परमार पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े थे, जिनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि दोनों युवकों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल इन दोनों ही युवकों को की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिरोजपुर CIA पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। युवप्पा एक्सक्लूसिव और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर, दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।